तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे विच इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता क्या है, उसके पहले तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी टू ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाई 1/4πε0Q/R। ठीक है, तो मान लो कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो ये नंबर वन हम लिख रहे हैं क्योंकि इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। तो मान लो कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और वो चार्ज है प्लस क्यू, और मान लो कि इससे आर वन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी वन। जैसे मान लो इस साइड में आर वन डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी वन है। तो R1 डिस्टेंस राइट में पोटेंशियल V1 है, ऑब्वियसली V1 क्या होगा, तो V1 होगा 1/4πε0Q/R1। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज से R1 डिस्टेंस इधर पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या होगा, तो वंस अगेन पोटेंशियल विल बी 1/4πε0Q/R1। मतलब R1 डिस्टेंस इधर भी पोटेंशियल क्या होगा, V1। तो अगर हम R1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो इस सर्कल पे जितना भी पॉइंट होगा सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वी वन ही होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस आर वन फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। तो इस सर्कल पे एवरीवेयर पोटेंशियल वी वन होगा। लेकिन सर्कल तो हम 2D में बनाए हैं, अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के और आर वन रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दें तो उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो V1 के बराबर होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर मान करके R1 रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दें तो इस स्फीयर पे एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी V1, वेयर V1 इज व्हाट, 1/4πε0Q/R1। अब ऐसा करो कि एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किए जो कि इस पॉइंट चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है, और मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल है V2। हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो अगर R2 रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दें जिसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज Q है, तो वंस अगेन उस स्फीयर पे एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी इक्वल एंड इट विल बी इक्वल टू वी टू। ठीक है, तो अगर आर टू रेडियस का एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर दिए तो इस स्फीयर पे एवरीवेयर पोटेंशियल विल बी इक्वल एंड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी टू। ठीक है, यहाँ पे हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाए हैं। जो छोटा वाला स्फीयर है उस पे पोटेंशियल का वैल्यू एवरीवेयर सेम है, और वो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, वी वन है। सिमिलरली जो बड़ा वाला स्फीयर है, इस स्फीयर पे एवरीवेयर पोटेंशियल सेम है, और उस पोटेंशियल का वैल्यू एवरीवेयर क्या है, वी टू के बराबर है। तो इस तरह का कोई भी सरफेस जिस पे एवरीवेयर पोटेंशियल इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वंस अगेन, कि ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल एवरीवेयर इक्वल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैथमेटिकली हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज एवरीवेयर सेम इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब लोकस के टर्म में बोला जा सकता है। बाएं वाले बच्चे को लोकस समझ में नहीं आता है, तो बाएं वाले बच्चे बस यही जान लो कि अगर कोई सरफेस है जिस पे एवरीवेयर पोटेंशियल सेम हो जाए तो इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या हुआ, ए सरफेस इन विच पोटेंशियल इज एवरीवेयर इक्वल
इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दे कि कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आवर आंसर विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वी वन बड़ा है या वी टू बड़ा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो बड़ा कौन होगा, वी वन, और वी टू क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वी वन है के क्यू अपॉन आर वन और वी टू है के क्यू अपॉन आर टू। क्योंकि आर टू आर वन से बड़ा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। ठीक है, अब एक और चीज, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जिस पे पोटेंशियल एवरीवेयर वी वन है, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो और मान लो कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन। मतलब कोई भी पॉइंट कंसीडर किए और उस पे मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई वन। सिमिलरली मान लो कि इस वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर ई टू है। इस वाले स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर क्या मान लिए, ई टू। ठीक है, तो ई वन बड़ा है या ई टू बड़ा है, तो ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस डायरेक्शन में होगा, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस साइड में है उस साइड में पोटेंशियल वी वन से वी टू हो गया, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस साइड में है उस साइड में पोटेंशियल वी वन से वी टू हो जा रहा है, मतलब कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे पोटेंशियल क्या है, वी वन, यहां पे पोटेंशियल क्या है, वी टू। ठीक है, फिर यहां पे पोटेंशियल वी वन है, यहां पोटेंशियल क्या है, वी टू। ठीक है, ऐसे एक लाइन ज्वाइन कर लो, इस लाइन का नाम दे दिए वन, इस लाइन का नाम दे दिए टू। अगर तुमसे पूछा जाए कि किस लाइन का लेंथ बड़ा होगा, वन का या टू का, बेसिकली लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट वन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट टू यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है, कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा होगा, वन या टू, तो टू विल बी ग्रेटर, क्योंकि टू रेडियस के डायरेक्शन में ही है। और क्लियर होगा, एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन का लेंथ इससे और बड़ा हो गया, ऐसे ड्रॉ कर दो, तो इस लाइन का लेंथ और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चार लाइन सेगमेंट में सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, तो नंबर वन। और चारों लाइन सेगमेंट में देखो पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर हम इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ चलें अलोंग डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स, तो चारों लाइन सेगमेंट में पोटेंशियल का वैल्यू वी वन से वी टू तक चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे वी वन से वी टू चेंज हुआ, यहाँ भी वी वन से वी टू चेंज हुआ, यहाँ भी वी वन से वी टू चेंज हुआ, यहाँ भी वी वन से वी टू चेंज हुआ। तो किसी भी लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि किस लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग पोटेंशियल का वैल्यू रैपिडली डिक्रीज हुआ, मतलब फास्टेस्ट डिक्रीज किस लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग हो रहा है,
तो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट वन के अलॉन्ग, क्योंकि लाइन सेगमेंट वन सबसे छोटा है, तो लाइन सेगमेंट वन के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट वन के अलॉन्ग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके तरफ है, इसके तरफ, ठीक है। और इस लाइन की तरफ पोटेंशियल V1 से V2 डिक्रीज हुआ है, इस लाइन में भी V1 से V2 तक डिक्रीज हुआ है, इसमें भी V1 से V2 तक डिक्रीज हुआ है, इसमें भी V1 से V2 तक डिक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे छोटा पाथ 1 है, मतलब सबसे शॉर्टकट 1 है। जैसे तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, तो जो शॉर्टकट होगा, जो सबसे छोटा होगा, उससे तुम जल्दी पहुंच सकते हो। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सबसे छोटा 1 है, तो 1 के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज किया होगा एट द फास्टेस्ट रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। इसको नोट डाउन कर लिया जाए, तो नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना नहीं बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में होगा जिस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। और इसके लिए एक रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है इक्वल टू मास डीवी अपॉन डीआर, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वल टू होता है मास डीवी अपॉन डीआर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, लेकिन माइनस भी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में ड्राइव करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग रेडियस, और ये सब जो स्फेयर है दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, इस सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। वैसे जो सेकेंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का ही कंसिक्वेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड में होता है, जिस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है एट द फास्टेस्ट रेट, और फास्टेस्ट रेट होने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि कुछ एंगल पे हो गया तब वो फास्टेस्ट रेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड। अब हम लोग पॉइंट नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में हम लोग एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। तो मान लो एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और इससे आर वन डिस्टेंस पे पोटेंशियल है वी वन,
तो आर्बन रेडियस का अगर एक स्फेयर ड्रॉ कर दें तो इस स्फेयर पे भी मेरा पोटेंशियल इक्वल होगा एंड इक्वल टू वी वन। तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। अगर आर टू डिस्टेंस पे पोटेंशियल मान लो वी टू, तो आर टू रेडियस का अगर एक स्फेयर ड्रॉ कर दें तो इस स्फेयर पे भी वे पोटेंशियल इक्वल होगा एंड इक्वल टू वी टू। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स। ठीक है कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि वी वन का वैल्यू बड़ा होगा या वी टू का वैल्यू बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा? इस बार वी टू बड़ा है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/R। तो Q तो इस बार नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है। जैसे -2 और -4 लो, तो -2 और -4 में बड़ा कौन होगा? तो -2 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। ठीक है, तो इस बार बड़ा पोटेंशियल कौन सा होगा? V2, और छोटा पोटेंशियल कौन सा होगा? V1। ठीक है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। अब अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाए तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन रेडियली इनवर्ड होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और फिर से ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड में है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल है V2, इस जगह पे पोटेंशियल V2 है और यहाँ पोटेंशियल क्या है? V1। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है एंड ऑब्वियसली एट द फास्टेस्ट रेट। तो दिस पॉइंट इज ऑलवेज एप्लीकेबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज एट द फास्टेस्ट रेट, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, अच्छा ये दो पॉइंट जो हम लिखे हैं नोट में लिखे हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस भी है। दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का ये दो प्रॉपर्टी हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज एट द फास्टेस्ट रेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। और भी प्रॉपर्टीज है जो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। तो इस फैक्ट का यूज करके वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गिवेन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे दिया जाए तो वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बिकॉज इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कर करके एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ करना है। जैसे मान लो इस रूम में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं। मान लो इस रूम में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर की तरफ है, एवरीवेयर पूरा 3D में, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोर्ड के प्लेन में, इस रूम में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर है? राइट की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एवरीवेयर सेम है। ठीक है, तो मान लो कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया हुआ है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया रहे तो वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के लिए क्या करना है? सबका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है। ठीक है, वो क्या है? एक सरफेस है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का एक सरफेस है। ठीक है, वो लाइन नहीं है, वो क्या है? एक सरफेस है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस हुआ। सिमिलरली ऐसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है।
तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, चलो मान लो कि इस इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे पोटेंशियल एवरीवेयर वी वन है, इस पे पोटेंशियल वी टू है, इस पे पोटेंशियल वी थ्री है। तो बताओ कि वी वन बड़ा होगा कि वी टू बड़ा होगा कि वी थ्री बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? वी वन वी टू वी थ्री में सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल वी वन सबसे बड़ा होना चाहिए, वी टू छोटा होना चाहिए, वी थ्री सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू इज ग्रेटर देन वी थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दिया जाए तो वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ठीक है, तो नंबर फोर इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, मान लो एक डायपोल है, तो डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, तो एक फील्ड लाइन ऐसे, फिर दूसरा फील्ड लाइन ऐसे बना दिए। ठीक, तो हम लोग कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाइस वर्सा। हम लोग ऐसा किए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर यहाँ ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 और सबको स्मूथली ज्वाइन कर दिए, तो कुछ इस तरह का एक सरफेस बनेगा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए स्फेयर। ठीक है, फिर इधर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, और सबको स्मूथली ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। उसी तरह से कुछ और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दिए। ठीक है, कुछ और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा, और इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। इसको हम डायपोल का बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, तो इक्विटोरियल प्लेन एक प्लेन है, इस तरह का एक प्लेन है, इस पे एवरीवेयर पोटेंशियल इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। यहाँ दो पॉइंट चार्जेज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल होगा यहाँ पे KQ अपॉन सम R। मान लो R है R1, तो KQ अपॉन R1, और इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? K माइनस Q अपॉन R1, क्योंकि दोनों जगह से डिस्टेंस इक्वल होगा, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? तो जीरो। तो इक्विटोरियल प्लेन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इक्विटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल इज जीरो, और ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में आता है कि इक्विटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है,
तो डायपोल के लिए ब्लू कलर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, ब्लू कलर से क्या ड्रॉ किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और रेड कलर से हम लोग क्या बनाए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो रेड कलर से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ब्लू कलर से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मतलब डायपोल में पॉइंट चार्ज के नियर बाई में, पॉइंट चार्ज के नियर बाई में स्पेसिंग कम होगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग क्या होगा कम होगा। मतलब पॉइंट चार्ज के नियर बाई में दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का स्पेसिंग बढ़ना चाहिए। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर हो तो वहाँ पे दो फील्ड लाइन के बीच का स्पेसिंग कम होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लार्जर। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग कम होगा। वो इस रिलेशन से भी आता है इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग कम होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गया कि स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाइयर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी, स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज स्मॉलर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे फॉर ए लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग लाइन चार्ज, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो मान लो कि एक लॉन्ग लाइन चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और मान लो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, तो अगर लॉन्ग लाइन चार्ज दे दिया जाए तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर्स। ऑब्वियसली इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा, और कहीं भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, मान लो कि इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल V1 है और इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल V2 है, तो ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलो एक और केस लेते हैं। मान लो कुछ इस तरह का केस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन एवरीवेयर सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड एवरीवेयर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम्ब है, यहाँ पे है 8 न्यूटन पर कूलम्ब, यहाँ पे है 6 न्यूटन पर कूलम्ब एंड सो ऑन। ठीक है,
मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डायरेक्शन एवरीवेयर सेम है। सिर्फ डायरेक्शन एवरीवेयर सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एवरीवेयर सेम हो। तो मान लो इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसमें लेफ्ट से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए, जैसे यहाँ पे एक, ठीक है, फिर यहाँ ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ ड्रॉ कर दिए। एक चीज ध्यान दो, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग कम होगा, ठीक है। मतलब इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का स्पेसिंग कम होगा और इधर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का स्पेसिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे राइट जाते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसिंग बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे लेफ्ट आएंगे वैसे वैसे स्पेसिंग कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि दिस स्पेसिंग इज एक्स वन, दिस स्पेसिंग इज एक्स टू, दिस वन इज एक्स थ्री, दिस वन इज एक्स फोर। तो एक्स वन इज स्मॉलर दैन एक्स टू, इज स्मॉलर दैन एक्स थ्री, इज स्मॉलर दैन एक्स फोर, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, ठीक है। अब एक और चीज़ मान लो, यहाँ पे पोटेंशियल वी वन है, यहाँ वी टू, यहाँ वी थ्री, यहाँ वी फोर, यहाँ पे वी फाइव। तो कौन सा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, वी वन या वी फाइव? तो ऑब्वियसली वी वन सबसे बड़ा होगा और वी फाइव सबसे छोटा होगा, क्योंकि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है तो इस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। तो वी वन सबसे बड़ा पोटेंशियल होगा, वी टू छोटा, वी थ्री और छोटा, वी फोर और छोटा, और वी फाइव सबसे छोटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसका डायरेक्शन एवरीवेयर सेम था लेकिन लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया जाता था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर, लेकिन लेफ्ट साइड में स्पेसिंग्स कम दिखाए हैं और राइट साइड में स्पेसिंग्स ज़्यादा दिखाए हैं, क्योंकि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है उस साइड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए बोल दे, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो और फिर सबका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, उससे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हो, और उसमें इन तीन पॉइंट का यूज कर लो। तो इन तीन पॉइंट का यूज करके कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। देखो ये तीन प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे यहाँ पे पोटेंशियल वी है, इस पे कहीं पे भी पोटेंशियल क्या होगा, वी ही होगा। तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पे पोटेंशियल एवरी वे वी है, ठीक है। अब देखो, अगर एक पॉइंट चार्ज को, मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी, इस पॉइंट चार्ज क्यू को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके चले गए, मान लो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक लेके चले गए, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा वो समझो, हम लोग को पता है कि डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट यहाँ पे क्यू हो गया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये पहले से पता है, लास्ट क्लास से पता है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज क्यू इंटू डेल्टा वी, और अगर पॉइंट वन से पॉइंट टू तक लेके गए हैं और वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो वी वन और वी टू तो बराबर होगा, दोनों वी के बराबर होगा, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा वी जीरो हो गया तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि नो वर्क
इज डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कि किसी पॉइंट चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाएंगे तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हुआ। यहाँ डेल्टा वी इक्वल टू वी टू मास वी वन, वी टू वी है, वी वन भी वी है, तो वी मास वी जीरो, तो डेल्टा वी जीरो है, इसलिए डब्ल्यू एक्सटर्नल भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। अगर मान लो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बेटर होगा यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दो सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर पोटेंशियल तो एवरीवेयर सेम होना चाहिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इंटरसेक्ट हो गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम ही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम लोग ये रिलेशन पढ़ेंगे, E इक्वल टू मास डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं। ये हम दो सरफेस ड्रॉ किए हैं, एक सरफेस ऊपर में है, दूसरा सरफेस उसके नीचे। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं। मान लो इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल भी है और इस वाले पे v प्लस डी वी, कहीं पे ओरिजिन कंसीडर करो, ओरिजिन से इस पे कोई पॉइंट कंसीडर करो r डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस पे एक पॉइंट कंसीडर करो इसी लाइन में r प्लस डी आर डिस्टेंस पे, r प्लस डी आर डिस्टेंस। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज मान लो प्लस q, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, प्लस क्यू को डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ तक, मान लो डिस्प्लेसमेंट है डी एस, डिस्प्लेसमेंट क्या है डी एस। ठीक है, अच्छा एक और थी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? वी वी प्लस डी वी हम ज़्यादा मान रहे हैं, डी वी पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर डी वी पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे पोटेंशियल कम है, ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस साइड में रहेगा? डाउनवर्ड नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे वो होगा क्यू ई, किस साइड में? डाउनवर्ड डैश। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, इसका नाम लिख दिया डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस। वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी एस लिख देते हैं। क्या लिखें? एफ डॉट डी एस, एफ डाउनवर्ड है, डी एस भी डाउनवर्ड है, तो लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो इज वन, मतलब बचा एफ डी एस। एक और चीज देखो, डी आर ऊपर की तरफ है क्योंकि इतना दूर आर था और इतना दूर आर प्लस डी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? डी आर, डी आर ऊपर है, डी एस नीचे है। अगर डी एस को डी आर के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? माइनस डी आर। डी एस को अगर डी आर के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? माइनस डी आर। हम लिख सकते हैं एफ इंटू माइनस डी आर,
तो यहां से हम लोग को मिला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ डी आर, और एफ के बदले क्या लिखेंगे क्यूई, तो माइनस क्यूई डी आर। अब हम लोग को बताना है वी और ई में रिलेशन। तो वी का डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, या फिर बोल सकते हैं माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट। अगर डेल्टा वी बोले, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन अपॉन क्यू नॉट, लास्ट क्लास में पढ़े थे। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो शुरू में पोटेंशियल वी प्लस डी वी है, बाद में पोटेंशियल क्या हो गया वी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू, क्यू नॉट लेना चाहिए तो क्यू ले रहे हैं यहाँ पे, वी भी कैंसिल आउट माइनस डी वी, माइनस इधर है और डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मिला क्यू ई डी आर अपॉन क्यू, क्यू क्यू कैंसिल आउट, ई चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी वी एंड डी आर, ई इक्वल टू क्या मिला माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, डी वी अपॉन डी आर को हम लोग कभी कभी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये चीज दिमाग में फिट कर लो, कभी भी कोई एक्सप्रेशन मिले जिसमें डिनोमिनेटर में लेंथ हो, लेंथ मतलब आर एल डी आर डी एल इस तरह से, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे स्टैंडर्ड 11th में पढ़े थे एफ इक्वल टू मास ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एफ इक्वल टू मास ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, तो वहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स को बोलते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर को हम लोग क्या बनेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब जब भी नीचे लेंथ आ जाए तो ग्रेडियंट। एक और चीज, डी अपॉन डी हो तो इसका मतलब होता है रेट, डी अपॉन डी का मतलब क्या होता है? रेट। लेकिन आगे माइनस है, माइनस का मतलब ये हुआ कि डिक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में है जिस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है एट द फास्टेस्ट रेट, ये वाला इक्वेशन बता रहा है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, फर्स्ट कंक्लूजन ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रूफ करने के लिए आएगा, और ये आएगा कि ड्रॉ टू कंक्लूजन्स। तो टू कंक्लूजन्स में पहला क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द लाइन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द फास्टेस्ट रेट। एक स्पेशल केस क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, मान लो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट पे पोटेंशियल वी वन, दूसरा पॉइंट पे पोटेंशियल वी टू। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिए डी, V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू हम लोग लिख देंगे माइनस डेल्टा V अपॉन D। ठीक है, DV अपॉन DR होता है ना, तो DV की जगह पे क्या लिख दिए? डेल्टा V, और DR मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख दिए? D। ठीक है, डेल्टा वी के बदले लिख सकते हैं V2 मास V1 अपॉन डी, माइनस अंदर लेके चलो जा V1 मास V2 अपॉन डी होगा। अब ऐसा करो, मान लो कि V1 मास V2 इज वी, V1 मास V2 का नाम दे दिए वी। ठीक है, तब उस केस में ई इक्वल टू क्या मिलेगा? वी अपॉन डी, मतलब वी इज नॉट पोटेंशियल, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू, वी हम लोग क्या ले रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू। और इसको याद रखना है इक्वल टू वी बाई डी, इक्वल टू वी बाई डी कब लगाएंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो मास डी वी बाई डी आर,
यहाँ वी इज नॉट पोटेंशियल, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे डी जो डिस्टेंस है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी किस साइड में लिया गया है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ऐसा हो जाए कि दो पॉइंट इस तरह से लिए, एक पॉइंट पे पोटेंशियल वी वन, दूसरा पॉइंट पे पोटेंशियल वी टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी लिए, अब बताइए ई वी वन वी टू और डी में क्या रिलेशन होगा। अच्छा दोनों पॉइंट वी वन वी टू का पोटेंशियल सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, क्यों, परपेंडिकुलर, एक यू पोटेंशियल परपेंडिकुलर हो गया, मतलब एक यू पोटेंशियल। तो यहाँ पे आंख मूंद कर करके इक्वल टू वी अपॉन डी मत लगाना, ठीक है। तो आंख मूंद करके यहाँ पे इक्वल टू वी बाई डी नहीं लगाना है, रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लाइन है ये वाला लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वाले केस में इस एग्जाम्पल में वी वन इक्वल टू वी टू। एक और केस लो, दो पॉइंट्स ऐसे लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दोनों का बीच का डिस्टेंस एक्स। पहले ये बताओ क्या वी ए वी बी के बराबर है, बड़ा कौन है, वी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड में होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब उस साइड में पोटेंशियल कम होता है, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड में पोटेंशियल कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, राइट साइड में बी है, ए लेफ्ट साइड में है, तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ए और बी में ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, वी ए मास वी बी। क्या हम वी ए मास वी बी इक्वल टू ई एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी बाई डी, तो ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, वहाँ से वी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी, तो v के बदले लिखिए वी ए मास वी बी, क्योंकि v पोटेंशियल नहीं होता है, v क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो v हो गया वी ए मास वी बी, ठीक है। वी ए मास वी बी इक्वल टू क्या ई एक्स लिख सकते हैं, नो सर, क्यों, जो d होता है d वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, मतलब वी ए मास वी बी इक्वल टू ई एक्स इज नॉट एप्लीकेबल। अब क्या करेंगे, ऐसा करो एक पॉइंट सी ड्रॉ किए सच दैट ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर। अब एक चीज जरूर बोल सकते हैं, वी बी और वी सी इक्वल होगा, होगा कि नहीं, बी पे पोटेंशियल और सी पे पोटेंशियल इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर वी ए मास वी बी बताना है और ऐसा मान लो ए से सी तक का डिस्टेंस डी है, तो अगर हम लोग को वी ए मास वी बी बताना है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी ए मास वी सी, वी ए तो वी ए ही है, वी बी को क्या ले सकते हैं वी सी, और ए और सी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में होंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, तो हम लोग ई डी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डी किधर लेना है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ बढ़िया समझना है, ठीक है। एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। अच्छा देखो E का SI यूनिट, E का दो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होता है वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि E इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं V बाई डी या फिर मास डी वी बाई डी है, तो V बाई डी बोल रहे हैं तो V का SI यूनिट वोल्ट और D डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिए हुए और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फोर मीटर थ्री मीटर ए बी सी। हम लोग को बताना है वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी मास वी सी और वी सी मास वी ए। फिर ये बताइए आप लोग वी ए मास वी बी क्या होगा, 40 वी ए मास वी बी
30 होगा, वी ए मास वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। और ए बी किधर है? परपेंडिकुलर है। तब क्या होगा? अरे वी ए मास वी बी इज जीरो, वी ए इक्वल टू वी बी। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्विपोटेंशियल। क्यों इक्विपोटेंशियल है? हाँ, क्योंकि ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या बताना है? वी बी मास वी सी। वी बी मास वी सी, अब बताओ 30। अच्छा, प्लस 30 या माइनस 30? कैसे? वी बी बड़ा या वी सी बड़ा है? वी बी बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में? ऊपर। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा है या सी का पोटेंशियल ज़्यादा है? बी का। मतलब वी बी मास वी सी इज 100% पॉजिटिव। अब यहाँ पे ई डी लगा सकते हैं। ई का वैल्यू 10 और डी कितना है? 3। तो 30 वोल्ट। थर्ड पार्ट, वी सी मास वी ए। वी सी मास वी ए आप लोग बताइए माइनस 30। इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो वी सी मास वी ए ना, वी सी तो वी सी ही है, वी ए को ले सकते हो वी बी। ए बी परपेंडिकुलर है ना, ए बी परपेंडिकुलर है तो वी ए इक्वल टू वी बी होगा। परपेंडिकुलर पे एवरीवेयर पोटेंशियल इक्वल, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो तो वी बी मास वी सी होगा, और वी बी मास वी सी का वैल्यू पता है प्लस 30। तो क्या मिला? मास 30। ऐसे इतना शो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए मास 30 वोल्ट।